Hey guys, good morning and welcome back to my new vlog. तो गाइस सबसे पहले आप घर का अपडेट ले लो कि घर कितना बन चुका है और कब से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे स्टडी अपनी। अभी ये फुल जितना बड़ा होना था वॉल उतना बड़ा हो चुका है गाइस। ये भैया वहाँ खड़ा होइएगा, आप एक बार वहाँ पे खड़ा होइएगा गाइस। आप इस वॉल की हाइट चेक करो, लाइक ये भैया का हाइट इतना है और ये वॉल का हाइट चेक करो गाइस कितना है आगे भागे। और ये भी अभी काम कर रहे हैं। और गाइज हम लोग वाराणसी गए हुए थे थार की पूजा करवाने के लिए, इसलिए मैं कुछ दिनों से अपलोड नहीं कर पा रहा था गाइज वीडियो, बट आज से करूँगा रेगुलर। और मैं काफ़ी दिन से रेगुलर कहता हूँ करूँगा बट कर नहीं पाता हूँ गाइज, इसलिए भी आई एम सो सॉरी, बट मैं ट्राई करूँगा कि आज से रेगुलर करने का, ठीक है। और गाइज अब घर अराउंड 10 दिनों में बन जाएगा क्योंकि कल से और लोग लगने वाले काम पे, तो फास्ट बनेगा उससे। तो अभी फिलहाल मैं निकलता हूँ लाइब्रेरी के लिए, की वगैरह मार्क्स वगैरह सब कुछ ले लेता हूँ। और गाइज मेरे यहाँ काफ़ी दिनों से बारिश हो रहा था जब मैं बनाना से गया हुआ था, बट यहाँ पे बारिश वगैरह हुआ और यहाँ पे शेड वगैरह नहीं लगा हुआ गाइज। अभी ये भी कुछ दिनों में शेड लग जाएगा तो पानी वगैरह अंदर नहीं आएगा। और एज यू नो गाइज कि घर अराउंड 70 साल पुराना है, 70 ईयर्स ओल्ड है, लाइक मेरे दादाजी ने इसको बनाया था। तो अभी फिलहाल गाइज निकलते हैं पानी में से KTM कंपनी, फिर चलते हैं लाइब्रेरी के लिए। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं लाइब्रेरी के बाहर और मैं कर दिया अपनी बाइक को पार्क। और अभी मैं चेक कर रहा हूं कि लॉक हुआ या नहीं हुआ है क्योंकि यहां पे चोरी वगैरह बहुत होता है, इसलिए चेक करना बहुत ज़रूरी है। और गाइस मेरी थार ना बनारस में ही है, लाइक वाराणसी में ही है, वहां पे कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहा है उसमें, तो कुछ दिनों बाद हम लोग जाएंगे उसको लेके भी आ जाएंगे और 1-2 दिन के लिए मैक्स टू मैक्स जाऊँगा मैं। तो अभी चलते ऊपर अपने की रिंग के फिडजेट स्पिनर को स्पिन करते हुए। तो फाइनली गाइस लाइब्रेरी के अंदर पहुंच चुका हूं और अभी लैपटॉप वगैरह सब कुछ, हेडफोन वगैरह सब कुछ निकाल लेता हूं और थोड़ा सा रिलैक्स होकर फिर करेंगे हम पढ़ाई स्टार्ट। तो गाइस मैंने सब कुछ सेटअप कर लिया और मैं बैक कैमरे से करता हूं गाइस रिकॉर्ड, क्योंकि फ्रंट कैमरे से करूंगा तो मेरा फेस आएगा उसमें तो उससे डिस्ट्रैक्शन होता है, बट आप बैक कैमरे से करोगे तो फिर डिस्ट्रैक्शन ही नहीं, फोन रखा हुआ है आपको मतलब ही नहीं है, फोन से रिकॉर्ड हो रहा है अपना काम कर रहे हो। सो गाइस अभी मेरा 1 घंटे का चैप्टर, लाइक 1 घंटे का लेक्चर बचा हुआ था, तो वो मैं कंप्लीट करता हूं अभी, लाइक बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेरा बचा हुआ था। तो गाइज अभी मैंने वो कंप्लीट करा और कंप्लीट करने के बाद गाइज मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए क्योंकि मुझे प्यास लग रहा था ये बहुत। और गाइज मैं कुछ दिनों से था बनारस में तो इसलिए मैं पढ़ाई कर भी नहीं पाया, लाइक अराउंड 3-4 दिन से मैं पढ़ाई कर नहीं पाया हूँ, बट अब मैं गैप नहीं लाऊंगा गाइज क्योंकि गैप लाने से नेक्स्ट स्टार्ट करने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो ये रहा गाइज मेरे लाइब्रेरी का पानी भरने का रूम, तो बहुत सारे डिब्बा रखा था इसमें। तो अभी मैं चाय ले रहा हूँ और चाय लेने से पहले हमें अपने नियम वगैरह फिल करना रहता है और क्या प्राइस है चाय का और क्या मैंने पे करा वो भी फिलअप करना पड़ता है। तो अभी मैंने सब कुछ फिलअप कर दिया है और मुझे चाय भी मिल जाएगा अभी। तो गाइस चाय मिल चुका है और चाय लेके और पानी लेके चलते हैं हम लोग ऊपर। तो गाइस चाय वगैरह लेके आ चुका हूँ और लिटरली गाइस आज भी चाय एकदम टेस्टी नहीं थी, इसलिए मैंने चाय को छोड़ दिया आज। और गाइस मैं सोच रहा हूँ कि एक बैच ले लूँ, ऑनलाइन बैच ले लूँ अपने लिए। बैच लेने के बाद गाइस सब कुछ एकदम शेड्यूल हो जाएगा, रूटीन में रहेगा कि हाँ मुझे ये चैप्टर आज करना है तो करना है। वैसे मैंने खुद का प्लान बना रखा है बट फिर भी एक बैच ले लूँगा और जो भी मैं बैच लूँगा आपसे शेयर कर दूंगा कि मैंने ये बैच लिया है। और ऑब्वियसली गाइस मैं फिजिक्स वाला का ही कोई ऑनलाइन बैच लूँगा और गाइस फिजिक्स वाला से पढ़ के आज हज़ारों बच्चे अपने ड्रीम MBBS कॉलेज और ड्रीम इंजीनियरिंग कॉलेज पहुँच चुके हैं एज यू नो गाइज। और इस बारी नीट 2023 में अराउंड 20,000+ फ्यूचर डॉक्टर्स बनाए हैं फिजिक्स वाला ने, टॉप 100 रैंक में 7 फिजिक्स वाला के स्टूडेंट है गाइज, 700+ मार्क्स वाले 15 PW के स्टूडेंट है और 650 लाने वाले अराउंड 1500 स्टूडेंट है। एंड गाइज दिस ईयर फिजिक्स वाला हैज प्रोड्यूस द मोस्ट हिस्टोरिकल रिजल्ट एवर। एंड गाइज फिजिक्स वाला इज सेलिब्रेटिंग गुरु पूर्णिमा दिवस फ्रॉम 3rd to 8th July, सो नाउ दे अगेन कम अप विथ अमेजिंग ऑफर्स। सो द फर्स्ट बैच इज यकीन 3.0 बैच, इंडिया का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नीट ड्रॉपर बैच यकीन 3.0, और ये आपका रोड मैप है 250 से 650 तक का। और ये बैच उनके लिए जो नीट 2024 को क्लियर करना चाहते हैं और अपने आप को एक डॉक्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। इसकी क्लास स्टार्ट हो रही है 3 जुलाई 2023 से और गाइस साथ ही में इसमें आपको मिल रही होंगी यकीन 2.0, 2024
24 प्लस यकीन 1.02024। इस बैच के साथ आपको ये दो बैच फ्री मिल रहे होंगे। तो गाइस सेकंड बैच है अर्जुना नीट 2.02024 बैच और ये कंप्लीट 11th क्लास नीट एस्पिरेंट बैच है और इसकी प्राइस गाइस 3600 रुपए ओनली 3600 रुपीज। एंड द थर्ड बैच इज लक्ष्य नीट 2.02024 बैच और ये 12th क्लास नीट एस्पिरेंट बैच है जिसकी प्राइस 3600 रुपए है अगेन। इन ऑल बैचेस पीडब्ल्यू आपको दे रहे होंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जो आपको बनाएंगे फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी एंड जियोलॉजी में परफेक्ट। क्लासेस विल बी 6 डेज इन अ वीक एंड 3 लाइव लेक्चर्स पर डे। डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम विद देयर वीडियो सॉल्यूशन इन क्विज फॉर्मेट। साथ में आपको मिलेंगे पीडीएफ नोट्स ऑफ ईच क्लासेस ऑन पीडब्ल्यू ऐप। शेड्यूल टेस्ट अकॉर्डिंग टू द प्लानर। एंड गाइज एक लेटेस्ट न्यूज फिजिक्स वाला लेकर आया है MBBS स्टूडेंट्स के लिए PW मेड एड। एंड गाइज आप बात कर लेते बुक्स पे। सो गाइज ईच बुक हैज इट्स ओन सेट ऑफ बुक्स विच यू कैन परचेस यूजिंग माय लिंक इन डिस्क्रिप्शन। ए सेट ऑफ 15 कॉम्प्रिहेंसिव बुक विथ डिटेल थ्योरी शॉर्ट्स नोट्स एंड सॉल्व एंड कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन क्वेश्चंस मिसलेनियस एग्जांपल्स प्लस टॉपिक वाइज लर्निंग प्लस एंड मल्टीपल चॉइस MCQs कवर्ड इन एक्सरसाइजेस। साथ ही मिलेंगे आपको इसमें मैच द कॉलम्स करेक्ट इनकरेक्ट पेयर MCQs स्टेटमेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड एंड असेसनीजन क्वेश्चन एंड पास 10 ईयर्स के नीड के क्वेश्चंस और साथ ही में डिटेल सॉल्यूशन। सो गाइस सभी के लिंक मैंने डाला था डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस आप लोग जाकर डिस्क्रिप्शन चेक करो और कोई भी बैच खरीदने से पहले आप यूज कर लेना मेरा कोड, इससे आपका बैच और भी अफोर्डेबल हो जाएगा। तो गाइस मेरा कोड है SS150, इससे आपको मिलेगा 150 रुपीज का इंस्टेंट डिस्काउंट। तो ये कोड यूज करना मत भूलना, ठीक है। सो गाइस बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया और अब मैं आ चुका हूँ नीचे और अब मैं जाऊँगा कुछ खाने के लिए। तो पहले स्टार्ट कर लेते बाइक को। और कल मैंने KTM में फ्यूल अप भी करवा लिया था गाइस, क्योंकि फ्यूल पूरा खत्म हो चुका था, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में। तो भी गाइस मैं जा रहा हूँ सिनेमॉन, लाइक कि मेरे शहर का काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट है और वहाँ का खाना बहुत ही अच्छा होता है और वहाँ पे एक मेरा फेवरेट डिश है लाइक स्वीट कॉर्न और चिकन ड्रैगन, ये दो मेरा फेवरेट डिश था वहाँ का। तो वो मुझे बहुत ही मतलब मैं अराउंड 8-9 महीने हो गए मुझे खाए हुए, तो आज मैं पहली बार जा रहा हूँ वहाँ पे खाने के लिए। तो मैंने आशू भी कॉल करके बुला लिया गाइस, तो आशू भी आ गए। तो अभी मैं सॉन्ग सुन के थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ और हम लोग का जो खाना है फिर हम लोग खाएंगे फिर आएंगे घर पे। तो गाइस ये आया स्वीट कॉर्न, तो इसका नाम है स्वीट कॉर्न साल्ट एंड पेपर और लिटरली गाइस मुझे बहुत 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 पसंद है ये, तो अभी खाते हैं। तो गाइस ये है सेकंड डिश चिकन ड्रैगन और ये रहा कोल्ड ड्रिंक, क्योंकि सबके साथ में कोल्ड ड्रिंक चाहिए होता है मुझे। तो अभी मैं और खाते हैं फिर जाएंगे घर। और गाइस मैं सोच रहा हूँ चिकन छोड़ दूँ हमेशा के लिए, और वैसे भी गाइस अभी शायद ना वो सावन चल रहा है तो अराउंड 2 महीने हमें चिकन नहीं खाना है। और ये इस बार पहली बार लाइक बहुत टाइम बाद ऐसा टाइम आया है जो 2 मंथ के लिए सावन आएगा, मतलब जो भी हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि 2 मंथ तो नहीं खाऊंगा ऑब्वियसली, तो ये कंटिन्यू कर दूँ मैं लाइफ टाइम के लिए, मैं सोच रहा हूँ ऐसा, क्योंकि कुछ कुछ रीज़न है। तो आप लोग मुझे बताओ कि मुझे छोड़ना चाहिए या फिर नहीं छोड़ना चाहिए। तो अभी गाइस हम लोग आए हुए पेट्रोल पंप पे आशू के टायर में हवा चलाने के लिए और अभी चला रहा है आशू मेरा बाइक और मैं आशू की बाइक चला रहा हूँ। अभी हम चलते हैं घर और बस गाइस स्टडी रूम जल्दी से जल्दी बन जाए, क्योंकि मुझे एकदम मन नहीं करता लाइब्रेरी में पढ़ने का। स्टडी रूम में आराम से हम लोग पूरे दिन पढ़ सकते हैं, कहीं जाने का कोई टेंशन नहीं रहेगा। तो अभी गाइस हम लोग आए हुए हैं एक ऑर्डर लेने के लिए, लाइक जो चाय पत्ती हम लोग घर पे यूज़ करते हैं चाय बनाते टाइम, और उसका स्पॉन्सर मुझे मिल गया, समझ रहे हो आप। तो गाइस ये मुझे फ्री में मिला है और इसके अंदर 2 चाय पत्ती है। तो अभी सुबह चलते हैं घर पे अपने, फिर इसको बताएंगे चाय और चाय पियेंगे। ओके गाइस, तो ये गाइस ये चाय पत्ती है डाबर का, तो इसको मैं यूज़ करूँगा और आपको बताऊँगा कभी किसी और व्लॉग में। तो अभी गाइस हम लोग घर पे आ चुके हैं और घर पे आने के बाद मुझे मिलता है ये जामुन खाने के लिए, और आई होप आप सभी ने भी खाया जामुन। तो अभी हम लोग जामुन खाएंगे, फिर खाएंगे आम, और आम का तो सीज़न ही चल रहा है एज यू नो गाइस। और गाइस अचानक से मुझे कॉल आया डोमिनोज से कि आपका एक ऑर्डर आया हुआ है और वो प्रीपेड था, और गाइस एक सब्सक्राइबर्स ने मुझे भेजा गाइस और उस पर इसका नेम नहीं था, लाइक बिल मुझे शो नहीं करा उन्होंने। तो जिसने भी भेजा गाइस उसको थैंक यू सो मच, लाइक ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। तो उसके बाद गाइस मम्मी को मैं बोलता हूँ मैं चाय बनाऊँ, मम्मी बोलती नहीं नहीं बनाऊँगी। बट गाइस लास्ट में मम्मा तो मम्मा होती है, तो चाय बना के दे दी और चाय पीते पीते गाइस हम लोग इंस्टा का स्टोरी चेक कर रहे थे, मेरे इंस्टा का स्टोरी, और एज यू नो गाइस कि मैंने थार लिया है लाइक खुद के पैसों से थार, और ये एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ था, और मैं आपको इसका व्लॉग फुल अपडेट कर दूंगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आई होगी, और अगर पसंद है प्लीज़ लाइक कर देना एंड चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत जाना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।